अगर आप भी अपने ड्राइंग्स को रियलिस्टिक बनाना चाहते हो और अपनी शेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा शेडिंग की, जिससे आपकी शेडिंग की स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और आप भी काफ़ी हद तक रियलिस्टिक बना सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हे गाइस, दिस इज शुभम कश्यप और आप देख रहे हैं शुभम आर्टिस्टिक ऑरा। तो सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल्स की। मटेरियल्स में सबसे पहले मेरे को चाहिए क्या होगा, मैकेनिकल पेंसिल्स, आर्ट लाइन पेंसिल्स, मास्किंग टेप, ब्रशेस, मोनो इरेजर, वाइट जेल पेन, नीडेबल इरेजर और ब्रूस्टो का मीडियम सरफेस पेपर। तो सबसे पहले भाई, एक अच्छे स्केच के लिए आपके पास एक हाई क्वालिटी का रेफरेंस होना चाहिए। तो उसके लिए आप कर क्या सकते हो कि अपने जो रेफरेंस हैं वो एक साइट है, बल्कि प्ले स्टोर पर एक आपको एक ऐप भी मिल जाएगा पिंट्रेस के नाम से, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सही क्वालिटी है, यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा इसके बाद कि हमें इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ फिल्टर यूज़ कर सकते हो। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा ब्लैक एंड वाइट, और आप अपने वाले अकॉर्डिंग इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। राइट एंड सेव, तो इस तरह से आपके पास एक रेफरेंस आ जाएगा ब्लैक एंड वाइट। इसके बाद अब करना क्या होगा कि आपको आ जाना एक ऐप है ग्रेड आर्ट के नाम से, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। इसके बाद आपको जाना है गैलरी के अंदर और आपका जो रेफरेंस है इसको चूज़ कर लेना। उसके बाद आपको जाना है लेफ्ट में और यहाँ मिलेगा स्क्वायर ग्रेड। यहाँ पे आपको जितनी भी आपको ये चाहिए होगी, स्क्वायर चाहिए होंगी कॉलम के अंदर, उतने आप यहाँ पे टाइप कर दोगे और इसके बाद आप क्या करोगे, सेव कर लोगे। इसके बाद आपको करना क्या होगा, दोबारा लेफ्ट में जाना है और आपको ऊपर मिलेगा एक्स मार्क। इस तरह से आपको एक ये वाला पिक्चर भी कर लेना है सेव। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड में आपको बताता हूँ, वो हार्ड कॉपी में होता है और आपको जो ज़्यादा सही लगे आप उसे यूज। तो भाई, फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, सेकंड ऑप्शन के लिए आप कर कर सकते हो कि आप ऐसे प्रिंट आउट निकाल सकते हो। मेरा जो फ़ोन है फिलहाल ख़राब हो गया, तो ये सेकंड ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐप को ब्लैक एंड वाइट में, फिर आप उस ऐप को यूज़ करके यहाँ पर ग्रिड बना सकते हो। फिर आप इसका अगर प्रिंट आउट निकालोगे तो ये आ जाएगा आपको इस तरह कुछ। तो इसी को यूज़ करके आज हम इसका आउटलाइन बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या होगा कि जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि जो मेरा प्लेन पेपर होगा उस पर भी मेरे को ग्रिड बॉक्स बनाने होंगे। तो जैसे यहाँ पे मेरे ये मेरी रो है, ये मेरी कॉलम है, तो यहाँ पे मेरे 12 हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपको भी यहाँ पे 12 बॉक्सेस बनाने होंगे। बनाने का क्या तरीका होगा कि सबसे पहले आपको इसको मेज़र कर लेना। अगर आपको यहाँ दिख पा रहा होगा तो यहाँ पे इसका 21 है, यहाँ पे इसकी 21 सेंटीमीटर है। तो फिर करना क्या होगा कि आपको कैलकुलेटर की सहायता से करना क्या होगा कि ये जो मेरा 21 सेंटीमीटर है इसे डिवाइड दे देना आप इससे 12 से, जो भी कुछ आएगा उतने ही mm का आपको यहाँ पे बॉक्स बनाने। जब मैंने इसको डिवाइड किया था तो 1.75 आया था, तो 1 मेरा यहाँ तक हो गया यानी कि मेरा 1 सेंटीमीटर, और 75 यानी कि मेरे को 7 निशान यहाँ पे चलने होंगे। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो 1 मेरा यहाँ पर है, 1 यहाँ तक हो गया, और 75 यानी कि आपको 7 निशान चलने होंगे। और 0.5 का मतलब होगा कि जो 7 और 8 का जो निशान है, ये जो इसका मार्क बना हुआ है उसके मिडिल का, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बॉक्स बना सकते हो और उसी के इक्वल डिस्टेंस के आपको क्या करने होंगे, बॉक्स बनाने होंगे, और ऐसे ही आप नीचे भी बॉक्स बना सकते हो। तो उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी फिगर आएगी। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्रॉस लाइनें बनाई हुई है ना,
वो इसलिए है कि अगर मतलब मुझे कुछ डिटेलिंग चाहिए होगी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर भी इनको ब्रोस कर दूंगा, जिससे कि अगर एक्यूरेसी चाहिए होगी, क्योंकि बहुत सी बार जैसे ये इस बॉक्स के अंदर पूरी आई आ चुकी और मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होगी, तो मैं इसका क्रॉस कर दूंगा, तो मैं ज़्यादा अच्छे तरह से इसको मतलब रीड कर पाऊंगा फिगर को। तो मैं यहाँ पे बनाता जा रहा हूँ फिगर को, आप ऑब्जर्व कीजिए और बीच में आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए।